जो भी चर्चा आप सुन रहे हो इससे वास्तविक उपलब्धि आपके जीवन में होगी जो अभी तक नहीं हुई है। क्यों? आपने कभी इस विधि को ठीक ढंग से सही ढंग से किया ही नहीं है। कभी हरिद्वार गए, साधना सत्संग में गए तो ध्यान में बैठ गए, बस इसके अतिरिक्त नियम पूर्वक बहुत कम साधक हैं गिने चुने जिन्होंने ध्यान को अपनाया है अपनी साधना में, जिन्होंने अपनाया है उन्हें लाभ भी हुआ है, पर जिन्होंने नहीं अपनाया वह मात्र ऐसे ही जैसे एक व्यक्ति एक ही स्थान पर खड़ा दौड़ता रहे, जिसे लोकल रेस कहा जाता है, वह आगे एक पग भी नहीं चल पाता। यही हालत हम सबकी है लगभग। हम दौड़ तो रहे हैं लेकिन लोकल एक ही जगह पर जंप कर रहे हैं, और फिर एक ही जगह पर जंप करने से आदमी वहीं रहता है, कहीं एक पग भी आगे नहीं जाता। आज जो ध्यान की विधि, अंतर्मुखी होने की विधि जो आपको बताई जा रही है, इससे आप भागोगे, इससे आप मंजिल की ओर बढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओगे, खूब आगे बढ़ते जाओगे। जितना करोगे उतना आपको लाभ होगा, उतना आपको संतोष मिलेगा। इस सोच के बाद स्वामी जी महाराज ने रखा संतोष दूसरा नियम। महर्षि पतंजलि ने लिखा संतोष, ये संतोष जीवन में कब आएगा? जब आपकी साधना पूर्ण होगी। इससे पहले आपके जीवन में संतोष नहीं आएगा, अभाव रहेगा। सब कुछ तो है, पता नहीं किस चीज की कमी है, इसी चीज की कमी है। इस चीज की पूर्ति इस जीवन में होनी चाहिए, तब जाके साधना संपन्न होती है, तब जाके परम शांति मिलती है, परमानंद की प्राप्ति होती है, आत्म संतोष जिसे कहा जाता है वह मिलता है, नहीं तो ऐसे ही काम चलता रहता है। अंतर्मुखी करना है, अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना है। आंख यदि बाहर देखती है सब देखो मेरी ओर, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ करके भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप बहुत आसानी से इन सब चीजों को समझ सको, फिर उसके बाद इन्हें करना होगा। आज समय लगा, आज ही से शुरू करेंगे, नहीं तो कल से शुरू करेंगे। आंख खुली है, आंख बाहर देख रही है, आपने इसको बंद कर दिया। आप शब्द स्वामी जी महाराज की याद करो, जिस वक्त स्वामी जी महाराज दीक्षा देते हैं क्या फरमाते हैं, कहते हैं आंख बंद करके इस त्रिकुटी स्थान को देखो। ये बाह्य चिन्ह है, जो कुछ देखना है, जो कुछ दिखाई देगा इसके पीछे दिखाई देगा। बंद आंख देखना, खुली आंख देखना तो आंख बहिर्मुखी, बंद आंख देखना तो आंख अंतर्मुखी हो। सिंपल। मिता समझ आ गई दीदी? कोई मुश्किल नहीं? क्या किया है? आंख खुली बाहर देख रही है, संसार है बाहर, आंख संसार के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकती, संसार देखती है, देखती ही रहती है, कभी संतुष्टि नहीं होती, सदा अतिरिक्त और देखने को मन करता है। कभी अच्छा भी दिखाई देता है तो अक्सर बुरा ही दिखाई देता है, बुरा ही बुरा देखने का शौक है, इस गंदी चीजें देखने का शौक है। इस हमने सुधाराया ही इसको इस प्रकार से है, बाहर देख रही है आंख तो बहिर्मुखी है। आपने आंख बंद कर ली, आंख बंद करके अपनी दृष्टि को यहां टिका लिया, सारे मस्तक पर टिका लिया, ललाट पर टिका लिया, या त्रिकुट स्थान इस जगह पर बिंदी वाली जगह पर टिका लिया, बाहर चिन्ह है। स्वामी जी कहते हैं अंदर का कैसे बताना, तो बाह्य चिन्ह रखा कि आप इस जगह को देखो। अब जो कुछ आप भीतर जाते जाओगे, जैसे जैसे आपकी दृष्टि अंतर्मुखी होती जाएगी, अंदर के भेद खुलने शुरू हो जाएंगे, तो फिर जो इसके पीछे है वह दिखाई देना शुरू होगा। ऐसे नहीं, लंबा काम है, धैर्य रखना, निराश नहीं होना। अभी तो आज यात्रा शुरू करने जा रहे हो आप, तो अभी तो आज चलना शुरू करोगे, मंजिल तो बहुत दूर है ना, अतएव थकान भी होगी, विघ्न बाधाएं भी आएंगी, सब कुछ होगा, इनसे निराश नहीं होना, आगे बढ़ते जाना है। एक ही जगह पर टिके रहोगे तो टिके रहोगे, कोई आगे नहीं बढ़ाने वाला, आप ही को बढ़ना है, चलना भी आपको है,
पहुंचना आपको है तो फिर चलना भी आपको है। गुरु क्या करता है, स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, जैसे एक मार्गदर्शक जिसने ये रास्ता चला हुआ है, तय किया हुआ है, वह आपको रास्ता दिखाता है, बच्चों इस प्रकार से चलोगे तो आगे बढ़ोगे, अन्यथा नहीं। तो एक चीज से सब कुछ पता लग गया कि हमने अंतर्मुखी कैसे होना है।